मैं डॉक्टर योगेश्वर गुप्ता, प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल काउंसिल उधमपुर, और मेरे सभी काउंसलर साथी जो पूर्व सैनिक परिषद के प्रेसिडेंट और उनके सारे साथी सीनियर सिटीजन जो यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये बाकी शहर जो अपने गुलाटी जी और इनके भी स्कूल से आए हुए बच्चे और सभी उधमपुर निवासियों का ये वो श्रद्धांजलि समारोह है। जैसा कि आपको पता है, परसों नीलगिरी की पहाड़ियों में हमारा एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें हमारे CDS जनरल बिपिन रावत जी, उनके साथ लेफ्टिनेंट कर्नल, उनके साथ ब्रिगेडियर, दो नायक और 5 क्रू के मेंबर थे, ये सभी लोग वहाँ पर शहीद हुए। जैसा कि आप जानते हैं, जनरल रावत जो हैं ये देश के सबसे पहले CDS थे, और इन्होंने इनकी जो क्षमता थी वो अभूतपूर्व थी, इनका जो सोच थी बहुत दूर की थी। जैसा आपको पता है, आजकल चाइना, तालिबान, पाकिस्तान का खतरा बहुत ज़बरदस्त मंडरा रहा है हमारे देश के ऊपर, और उसके लिए जो है तीनों सेनाओं का इकट्ठा होना, एकजुट होना, एक जगह पर आना, और इन्होंने जो है आधुनिक हथियार जो हैं जो देश में बन सकते हैं, आत्मनिर्भरता, उसके ऊपर बहुत जोर दिया है। इनकी सोच बहुत दूर की थी, और जो देश को ये क्षति हुई है ये पूरी होने वाली नहीं है, इससे पूरा देश का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मैं यहाँ पर अपने सभी यहाँ पर जो खड़े हुए हैं, सभी की तरफ से हम श्रद्धांजलि दी है, इनके नमन आंखों से हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और आशा करते हैं इनको भगवान अपने चरणों में जगह दे और इनके जो परिवार हैं उनको ये सदमा सहन करने की शक्ति दे। धन्यवाद।